तो अब मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्कचर, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आर्क ऑफ वॉइसराय या फिर वॉइसराय आर्क। और इसकी खासियत क्या है, 1599 में इस आर्क को बनाया गया था, और इस आर्क को बनाया था वॉइसराय फ्रांसिस्को डिगामा ने। और फ्रांसिस्को डिगामा कौन थे, ये थे ग्रैंडसन वास्को डिगामा के। तो ये जो आर्क है ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसका देखभाल करती है, और वो इसकी रेस्टोरेशन जो है वो 1954 में दोबारा से हुई थी, और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी रेस्टोरेशन का जो काम है वो चल रहा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी आर्क जो 1599 में बनी थी, और अगर आप इस आर्क के बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें तो आपको वास्को डिगामा का जो है वो स्टैचू जो है वो दिखेगा। और यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा है, मैं आपको ये बोर्ड भी दिखा देता हूँ, आर्क ऑफ वॉइसराय। और तो इस आर्क के दो साइड्स पे, तो जैसे आप देख पा रहे हो आर्क ऑफ वॉइसराय का ये जो बोर्ड है, तो इस आर्क के दो साइड्स पे, अब उस साइड पे सिटी है और इस साइड पे है दीवार आइलैंड के लिए जो हम फेरी ले रहे हैं। तो अगर मैं इस तरफ को टर्न करता हूँ अगर, तो उस साइड पे जो आप फेरी खड़ा हुआ देख रहे हैं, तो वो जो फेरी है वही फेरी लेके हम जो है दीवार आइलैंड पे गए थे। तो अभी हम मेनलैंड के ऊपर आ गए हैं, वो फेरी जो है अभी जाएगी, अगर वो रिवर क्रॉस करती है तो उस साइड पे है दीवार आइलैंड। तो दीवार आइलैंड के लिए जो फेरी पॉइंट है ये आर्क उस जगह पे लोकेटेड है, और यहाँ पे ये जो आर्क है ये रीच आउट करती है, कनेक्ट करती है मेनलैंड जो गोवा है और फेरी पॉइंट को। तो अब जब आप आएँ तो डेफिनेटली इस मॉन्यूमेंट के आगे अपना एक फोटोग्राफ जरूर क्लिक कराएं, बिकॉज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, 1599 में वॉइसराय आर्क जो है वो बना था। शुक्रिया।